Have you ever thought of starting up? प्रधानमंत्री मोदी की स्टार्टअप इंडिया योजना के बारे में बताएंगे. 58,959 recognized startups. स्टार्टअप इंडिया का लक्ष्य है देश के युवाओं को इतना सशक्त बनाना. 59 years old and one of India's most successful entrepreneurs. जिससे वो नौकरी खोजने की जगह नौकरी दे सके. Indian startups on average are laying off about Baiju's is going through losses 1600 workers each day. Zomato has laid off up to 3% of their workforce. Now is the best time to start up. Iska graph clear hota hai ya nahi wo sawal to hai jiska jawab aapko is video mein aage mil jayega. Par usse pehle ek sawal mera bhi hai ki mummy ke baad sabse zyada aapka khayal kaun rakhta hai jo bar bar aapse message karke puche ki aapne khana khaya hai. सही जवाब. ऐसे ही आपको कई ब्रांड स्टार्टअप्स याद होंगे जो ट्रेंड में काफी ज्यादा दिखते रहते हैं. पर कहते हैं ना कि हाथी के दांत दिखाने के कुछ और होते हैं और खाने के कुछ और. यही हाल इंडिया में स्टार्टअप्स का भी है. और इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि ये स्टार्टअप्स की दुनिया मार्वल की तरह रंग बिरंगी नहीं है बल्कि डीसी की तरह काफी ज्यादा डार्क है. एग्जैक्टली. और स्टार्टअप में आने वाले इन चेंजेस को 5 साल पहले ही प्रेडिक्ट कर लिया गया था जहां लिखा था कि 90% स्टार्टअप्स 5 साल के अंदर बंद होने लगेंगे. अब स्टार्टअप बंद होंगे तो यानी कि नौकरियां तो जाएंगी और नौकरियों से निकाले जाने का सिलसिला हम अभी कुछ दिनों से देख रहे हैं. पर क्या इस लिस्ट में ये स्टार्टअप्स भी शामिल होंगे जिनको हम नेशनल ब्रांड की तरह काउंट करते हैं जैसे आपका हो गया ओला, स्विगी, बायजूस, ओयो. पर पहले तो स्टार्टअप्स का इंडिया में काफी अच्छा फ्यूचर था जहां 2021 में हर महीने 3 कंपनीज यूनिकॉर्न बन रही थी और स्टार्टअप रेवोल्यूशन की शुरुआत तो काफी ही अच्छी थी. हाँ ये तो है. जहां 2016 में हमारे पास 400 कुछ ही स्टार्टअप्स थे अब वो 72,000 के पार पहुंच गए हैं जिनमें से आप भी कुछ गिने चुने के नाम ही जानते होंगे क्योंकि जरूरी नहीं कि हर स्टार्टअप सक्सेसफुल हो और जो सक्सेसफुल हो वो प्रॉफिटेबल भी हो. क्योंकि एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 100 में से 82 स्टार्टअप जो हैं वो फेल हो जाते हैं और सक्सेस मिलती है सिर्फ 18 को. अभी थोड़ी देर पहले आपने जिन कंपनीज के नाम सुने थे ना उनमें से एक भी प्रॉफिटेबल बिजनेस नहीं कर रही है बल्कि भारी लॉसेस में चल रही है. तो मतलब ये जितनी कंपनीज आप एड्स में देख रहे हैं आपको लगता होगा कि यार ये कितना सही पैसा छाप रहे हैं बट ये कंपनीज भारी लॉस में है और जिनका अंदाजा आप इन फिगर से लगा सकते हैं. तो ओला ने 2021 में 17,453 करोड़ का लॉस देखा. स्विगी को 1,616 करोड़ का लॉस हुआ था. ओयो को तो बाप रे 3,944 करोड़ का लॉस हुआ था और बायजूस को तो 2,702.14 करोड़ का लॉस झेला. यार इतना पैसा डुबा दिया उन्होंने. हुए ना आप भी हैरान मेरी तरह. तो ये फिगर्स काफी डरावनी थी जिन्होंने इन स्टार्टअप्स को हिला के रख दिया और इन्हीं लॉसेस की वजह से कई ब्रांड्स को एक सॉल्यूशन दिखा और वो था IPO. इसी की तरह कई कंपनीज रोने लगी थी जब उन्होंने अपना IPO निकाला था. अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये IPO का चक्कर क्या है तो मैं आपको समझा देती हूँ. IPO यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग. आसान भाषा में कहूँ तो एक प्राइवेट कंपनी पहली बार अपने शेयर्स को पब्लिकली ऑफर करती है जिसके बाद वो एक पब्लिक बिजनेस कंपनी बन जाती है और इसके पास एक मौका होता है पब्लिक के साथ बिजनेस करने का. पर जरूरी नहीं है ये जो मौका है इनके लिए प्रॉफिटेबल बनकर ही निकले. नायका ने 1125 रुपए का IPO निकाला था. अब उसकी मार्केट समरी की कीमत 144 रुपए है. पेटीएम ने 2080 का निकाला था. अब ये 613 पर है. जोमैटो ने 76 रुपए में निकाला था पर अब ये 53 रुपए पर सीमित है. इनके बाद कई कंपनीज को ये तो समझ आ गया कि भैया स्टॉक मार्केट से अभी दूर रहना है. पर वो अभी भी एक गलती कर रहे थे जिसकी वजह से उनके पास पैसा आ नहीं रहा था बल्कि जाए जा रहा था. ऑफर्स एंड एडवर्टाइजमेंट, ये चीजें लोगों को काफी अट्रैक्ट करती है. तभी तो आपको इनके एड्स हर जगह दिखेंगे. गर्लफ्रेंड के मैसेज की नोटिफिकेशन की जगह इनके ऑफर्स आ जाते हैं क्योंकि ये आपको अकेला छोड़ना ही नहीं वाले क्योंकि हम ही तो है इनका सहारा. ये सारी कंपनीज आपको अलग अलग ऑफर्स देती हैं, लालच देती हैं और सामान पर कई भारी डिस्काउंट देती है और जब एक जगह ऑफर खत्म होता है तो ये दूसरी जगह चले जाते हैं क्योंकि कई स्टार्टअप्स एक ही जैसे प्रोडक्ट का काम कर रहे हैं तो लोगों के पास ऑप्शन भी तो हैं पर कंपनीज के पास नहीं इसलिए वो ऑफर्स देती रहती हैं. कंज्यूमर को अपने पास रखने के लिए इन्हें काफी ज्यादा लॉसेस होते हैं और ये लॉस इनके अकेले का नहीं होता, इन्वेस्टर्स का भी तो होता है. सॉफ्ट बैंक, ये कंपनी इंडिया के स्टार्टअप्स में सबसे ज्यादा इन्वेस्ट करती थी पर
इसी करीब 26 बिलियन विजन फंड का लॉस हुआ था, जिसके बाद इन्होंने इंडिया के स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करना काफी ज्यादा कम कर दिया था। अब इन्वेस्टर्स ही हाथ खींच लेंगे और ऑफर्स देती रहेंगी कंपनीज, तो कंपनी में लॉस तो होना ही है। कुछ कंपनीज बंद होने की कगार पर भी आ जाएंगे, पर उससे पहले ये क्या करेंगे? कॉस्ट कटिंग। और कॉस्ट कटिंग करने के चक्कर में सबसे पहले किसे हटाया जाता है? एम्प्लॉयज को। ग्लोबली कई कंपनीज अपने एम्प्लॉयज को निकाल रही हैं। अमेज़न ने अपने 10,000 एम्प्लॉयज को ले ऑफ कर दिया। लास्ट ईयर कहा गया था कि करीब 60,000 लोग अपनी जॉब्स खो देंगे, और ये रियलिटी चेक लोगों को तब मिलने लगा जब बायजूस, अनअकैडमी, ब्लिंकिट, ओला जैसी कंपनीज लोगों को फायर करने लगी, और ये काउंट धीरे धीरे बढ़ता गया, जिसके बाद लोगों को ये तो समझ आ गया कि स्टार्टअप की दुनिया ये होप की तरह जितनी ब्राइट लगती है ना, उतनी ही इसमें रियलिटी की डार्कनेस भी है। और ऐसी एक डार्क रियलिटी है डिज्नी की, जहां पर 7,000 लोगों को निकाल दिया गया था। और इस कंपनी के लॉसेस के पीछे भी कई रीजंस हैं, जिनके बारे में आप इस वीडियो में जान सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।